चीजें पढ़ी थी उसमें ये चीज था कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी देने के लिए, दूसरा है कि ऑक्टेट वाले पार्ट को पूरा करने के लिए। ऑल्दो ये दोनों चीजें रिलेटेड है कि ऑक्टेट पूरा करने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसिकली इसी के ऊपर प्लेस्ड है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो दोनों एलिमेंट जो कंबाइन कर रहे हैं दोनों का स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पहला चीज, दूसरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बट हम लोग इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और भी करेंगे, क्या मॉडिफिकेशन होगा नोट डाउन करते हैं। नोट करो इस चीज में, सबसे पहला रीजन टू कंप्लीट या टू गेन स्टेबिलिटी, सबसे पहला नोट करते जाओ, टू गेन स्टेबिलिटी सेकेंड पार्ट जो अपने को ध्यान रखना है, टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं, या फिर दो एटम्स बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ये क्लास 10th का रीजन है जो हम लोगों ने सुन रखा है। इन दोनों रीजन के अलावा हम लोगों को एक और रीजन पे वर्कआउट करना है, वो रीजन वाला पार्ट हम मेंशन कर रहे हैं। जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, एक छोटा सा रिलेशन है जो अपने हर जगह काम आएगा, और ये पूरे केमिस्ट्री में भी नहीं, इनफैक्ट हर जगह काम आएगा, पूरा एक यूनिवर्सल टाइप का रूल है। स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा बढ़ता है पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होता है उतना ही कम होता है। जैसे मान लो हम लोग ऐसा बोल के चल रहे हैं कि हम लोग मान लो बहुत खेल लेते हैं, तो बहुत खेलने से हम लोग एनर्जी डाउन हो जाता है, तो एनर्जी डाउन होने पे हम लोग मूवमेंट नहीं करना चाहते, हम लोग एक जगह पड़े रहना चाहते हैं, लगता है कि रेस्ट कर लो। तो रेस्ट का मतलब स्टेबल मोड है, तो जितना लोअर एनर्जी है उतना स्टेबिलिटी है, जितना हायर एनर्जी होगा स्टेबिलिटी वाला पार्ट उतना कम होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग स्टेबिलिटी वाले पार्ट को एनर्जी वाले पार्ट से आराम से रिलेट कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा एनर्जी वाला पार्ट उतना कम होगा। तो अगर मान लो कि सबसे पहला चीज यहाँ पे बोले टू गेन स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी वाला पार्ट बढ़ाना है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ाना है इसका मतलब एनर्जी वाला पार्ट क्या होगा, तो घटाना होगा। स्टेबिलिटी जितना बढ़ेगा एनर्जी वाला पार्ट उतना ही कम होगा। तो इस केस में हम लोग जो थर्ड रीजन है जो हम लोग पहली बार सुन रहे होते हैं 10th क्लास में, पहला दोनों रीजन आ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और ऑक्टेट के लिए, बट थर्ड रीजन वाला पार्ट में हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं टू लोअर इट्स एनर्जी। इस चीज को हम लोग आराम से स्टेबिलिटी वाले पार्ट से रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस में हम लोग सबसे पहला पार्ट टू गेन स्टेबिलिटी मतलब टू लोअर इट्स एनर्जी, दूसरा टू कंप्लीट ऑक्टेट, और तीसरा पार्ट हम लोग मतलब ऊपर वाला पार्ट और तीसरा वाला पार्ट रिलेटेड है, सेकेंड वाला पार्ट भी उसी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, एक छोटा सा पार्ट थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना है। और साइड वाले इस चीज को हो सके तो अलग पेन से नोट कर लेना, बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हर जगह काम में आएगा अपने। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग जब यहाँ पे इन चीजों का डिस्कशन करते हैं तो इस डिस्कशन वाले पार्ट में हम लोग का एक छोटा सा पार्ट और आता है, और इस चीज को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। जैसे 10th क्लास में हम लोग एक छोटा सा रूल पढ़ते हैं जिस चीज को हम लोग लेविस ऑक्टेट रूल बोला करते थे, किसी को याद है क्या होता है लेविस ऑक्टेट रूल, किसी को भी याद है? कृष्णा बताना चाहेगा? नहीं सर, याद तो नहीं है। चलो ठीक है, ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग ये अभिषेक गौरव कुछ याद है? नो सर, चलो ठीक है, ध्यान दो। पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ पढ़ा हुआ याद नहीं। अब एक चीज इससे रियलाइज करना कि सोचो अभी 10th क्लास का एग्जाम पास किए 3 से 4 महीने हुए, जबकि 10th क्लास में लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं बट फिर भी चीज याद नहीं है। तो 11th 12th का सिलेबस बड़ा भी है और 2 साल का सिलेबस याद रखना है बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करना, नहीं तो फिर 11th 12th में बहुत मुश्किल होगा। चलो पॉइंट नोट करते हैं, जैसे नोट करते जाओ, इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली दोज मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन विच द ऑक्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
इन द वैलेंस शेल, या ऑक्टेट के ब्रैकेट में लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, द ऑक्टेट ब्रैकेट में इन द वैलेंस शेल इज कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग बात करें, लेविस ऑक्टेट का ही रूल था कि दो एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन में जाने के लिए हम लोग एलिमेंट्स वाले पार्ट को आपस में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते वक्त वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑक्टेट वाला पार्ट कंप्लीट है, ऐसा हम लोग बोलते हुए चल रहे होते हैं। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो वाले पार्ट में, जैसे सबसे बड़ा चीज़ ये है कि लेविस ऑक्टेट रूल में तो बोल रहे हैं हम लोग कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ऑक्टेट का मतलब 8 हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते जहाँ पे ऑक्टेट वाले पार्ट से वेरिएशन होता है, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे केमिस्ट्री में जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम लोग एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट की बात करते हैं तो हो सकता है कि उस कंसेप्ट का कोई एक्सेप्शन हो या उस कंसेप्ट का कोई लिमिटेशन हो। कंसेप्ट तो याद रखना है, उससे ज़्यादा जरूरी हम लोग को उसके लिमिटेशन और एक्सेप्शन को याद रखना है। तो जैसे लेविस ऑक्टेट रूल में बोला कि वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑक्टेट कम्प्लीट है, बट इसके अलावा भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसका ऑक्टेट ज़्यादा है, या ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, वैसे मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्शन के जैसा आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इसके जस्ट नीचे मेंशन कर लेना, एक्सेप्शन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग जब एक्सेप्शन की बात करते हैं तो एक्सेप्शन वाले पार्ट में सबसे पहला एक्सेप्शन जो है उसको हम लोग इन जनरल इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, या सिंपली बस इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या इसी चीज़ को हम लोग एक और टर्म से बोला करते हैं हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये भी एक टर्म चलता है। हाइपो का मतलब ध्यान रखना कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवेलेंट मतलब कम इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में इनकम्प्लीट ऑक्टेट या हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये हम लोग के लेविस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन का सबसे पहला पार्ट होगा जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे लिख देना बस सिंपली लेस देन 6, सॉरी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इन द वैलेंस शेल आफ्टर बॉन्डिंग। वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड बनाने के बाद, इस एक चीज का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। तो जैसे हम लोग अपने कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो उस स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट में हम लोग नॉर्मली ये कंसिडरेशन लेके चल रहे होते हैं। एक छोटा सा पार्ट हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, शायद हम पहले भी डिस्कस किए थे बट अभी के लिए ध्यान रखना। जैसे मान लो दो एटम्स है और दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, मतलब एक बॉन्ड है अगर, तो एक बॉन्ड के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जैसे हम लोग 9th-10th में जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग दो तीन तरह के बॉन्ड्स की बात करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और हम लोग 11th क्लास में आने के बाद मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो हम लोग अभी तक डिस्कशन जो कर रहे हैं वो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग का रहेगा। एक कोवेलेंट बॉन्ड में जब भी एक सिंगल बॉन्ड होगा तो समझ लेना कि वहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अगर दो बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल मिला करके 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर एक एटम और दूसरे एटम के बीच में तीन बॉन्ड है तो तीन बॉन्ड का मतलब टोटल मिला के हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। तो जब भी कभी एक बॉन्ड दिखेगा तो दो इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, दो बॉन्ड दिखेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड दिखेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें इस एक्सेप्शन वाले पार्ट में जहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना है, तो इसके एग्जाम्पल में दो तीन चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मान लो BH3 मॉलिक्यूल, BH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, B के साथ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मान लो बोरोन वाला पार्ट है तो बोरोन कितना बॉन्ड बना रखा, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिलाकर के हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स की बात आराम से कर सकते हैं। तो BS3 मॉलिक्यूल में बोरोन के ऊपर 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट का मतलब होता है। तो 8 से अगर कम है वैल्यू, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट आराम से बोल सकते हैं। तो BS3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट को हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल या हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। सिमिलर टाइप से मान लो AlCl3 है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर हम लोग के पास 3 क्लोरीन है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके हिसाब से हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, टोटल 6। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल में आराम से कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को, जहाँ कहीं भी डाउट होगा पूछते जाना, बट ये बहुत सिंपल थियोरिटिकल पार्ट है, इसमें हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं किया करते हैं, बहुत एलिमेंट्री पार्ट है। मतलब ये चीज़ ऐसा है कि कभी सवाल भी नहीं पूछा जाता है, बस जानने के लिए होता है इन्फॉर्मेशन। कहीं डाउट होगा तो आराम से पूछते जाना। चलो ध्यान दो, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल का डिस्कशन कर चुके, तो इसके बाद जो दूसरा एक्सेप्शन है जो हम लोग को ध्यान रखना है, इस चीज को हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल, या फिर इसी चीज को हम लोग हाइपो के जगह पे हाइपर वर्ड लगा देंगे, हाइपर वैलेंट। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट या फिर हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर सकते हैं। हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, तो हाइपो का मतलब कम, समझ लेना। इस केस में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है हम लोग के वैलेंस शेल में। जैसे मान लो PCl5 है, तो PCl5 वाले पार्ट में फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन का बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टाइप से एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस केस में एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10, मतलब फॉस्फोरस के ऊपर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। इस चीज को हम लोग हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, इस तरह के भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग के सेंट्रल एटम पे हाइपर मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो HCF2 की बात करते हैं, तो एक चीज सोच के देखो, ज़ेनॉन वाला जो पार्ट है ये तो नोबल गैस है, नोबल गैस में हम लोग का ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट रहता है। तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो भी ये बॉन्ड बना रहा है, तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी अगर बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरह के केस को भी हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात कर सकते हैं। बट हम एक एग्जांपल सिंपल मेंशन कर रहे हैं, SF6। SF6 में सल्फर के ऊपर हम लोग के पास टोटल 6 फ्लोरीन का बॉन्ड है, ऐसा हम मेंशन करके चल रहे हैं। तो अपने स्ट्रक्चर में सल्फर के ऊपर 6 बॉन्ड्स है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे का मतलब 2, तीसरे का मतलब 2, तो टोटल 6 बॉन्ड का मतलब सल्फर वाले पार्ट पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल आराम से बोल सकते हैं। हाइपर वैलेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आराम से क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते जाएंगे अपने आप समझ में आता चला जाएगा। यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को? तो अभी जल्दी कोई, यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को? सर वो जो आप एक्सी लिखे थे उसको क्या बोलते हैं? ज़ेनॉन। नोबेल गैसेस का नाम याद नहीं है जी? आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, नियोन, हीलियम। अच्छा जीरोन। ज़ेनॉन, 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 ज़ेरॉन नहीं। दोनों एग्जांपल्स नोट कर लो, PCl5 और SF6। चलो, इसका जो तीसरा और सबसे लास्ट एक्सेप्शन है जो हम लोग को ध्यान रखना है, इस चीज को हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोला करते हैं।
ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसको ऐसा समझो, तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी याद है क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है एलिमेंट्स में? कुछ भी याद है? 9th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज। बताओ भाई कोई, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्या वैलेंसी होता है, याद है कुछ थोड़ा बहुत? यस सर, नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कृष्णा, हाय फाइव कृष्णा, सर, शायद 3 होता शायद 3 होता है, वैलेंसी 3 होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है? वैलेंसी है, वैलेंसी 3 होता है, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ऑक्सीजन वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और वैलेंसी वाला पार्ट 2 होता है। एक चीज सोच के देखो, जैसे अगर हम लोग एक नाइट्रोजन ले और एक ऑक्सीजन ले, एनो ग्रुप बना दे नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 बनेगा। अब अगर 11 बना तो 11 को हम लोग 8 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, शेयरिंग वगैरह करने के बाद भी इसको 8 में पुट आउट नहीं कर सकते। उसमें हो सकता है कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन को एक बॉन्ड में डाल दिया, 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 तो 10 इलेक्ट्रॉन तो एडजस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद हम लोग का जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? तो 11वां इलेक्ट्रॉन हमेशा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के जैसा एग्जिस्ट करेगा। इस चीज को हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन को इन जनरल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोला करते हैं। अब प्रॉब्लम इस चीज का है कि अगर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 8 में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऑक्टेट मतलब 8 जो कि एक इवन नंबर है, और 11 नंबर एक ऑड नंबर है, तो ये कभी भी हम लोग के पास इवन नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ऑक्टेट हम लोग का कभी भी कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। मान लो NO2 है, तो NO2 वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऑक्सीजन है, तो 6 × 2 मतलब 12 ले सकते थे, तो 12 + 5 = 17, ये भी एक ऑड नंबर है। इस ऑड नंबर को हम लोग किसी भी तरीके से ऑक्टेट कम्प्लीशन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 17 को हम लोग कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे, पेयरिंग के बेसिस पे भी 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में डाल सकते हैं। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स है इन सब को हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोला करते हैं नॉर्मली। एनओ वाले पार्ट का स्ट्रक्चर तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, मतलब ये चीज एग्जिस्ट करता है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, जो डॉट है उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मेंशन कर रहे हैं हम लोग। तो NO2 वाले पार्ट ने नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर 2 ऑक्सीजन है, उस 2 ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। इस चीज को हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोला करते हैं। ऑल्दो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बहुत यूनिक सिनेरियो होता है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के सबसे लास्ट में अलग से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डिस्कस किया करते हैं, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखा करना। नोट कर लो दोनों एग्जाम्पल। तो इस एक बेसिक कंसेप्ट का थोड़ा ध्यान रखना कि लेविस ऑक्टेट रूल क्या होता है, और लेविस ऑक्टेट रूल के बाद हम लोग का उसका एक्सेप्शन 2-3 क्या है, इन सब एक चीजों का थोड़ा अपने को ध्यान रखने का है। और इन सब एक्सेप्शंस के अलावा एक पॉइंट इन एक्सेप्शंस का भी एक्सेप्शन है, जैसे AlCl3 था तो सिमिलर टाइप से AlBr3 या फिर AlI3, ये सब चीजें हम लोगों का लेविस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन AlF3 वाला पार्ट हम लोग का हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल नहीं है। उसके पीछे एक रीजन है छोटा सा, ये कंपाउंड आयनिक नेचर का होता है जबकि ये तीनों कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के हैं, तो कोवेलेंट होने की वजह से एल्युमिनियम वाला पार्ट 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन आयनिक होने का मतलब है कि एल्युमिनियम वाला पार्ट 3+ के फॉर्म में रहेगा और फ्लोरीन वाला पार्ट F- के फॉर्म में। फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है और वैलेंस शेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे एक नेगेटिव चार्ज आया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यहाँ से हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन आराम से बोल सकते हैं। और एल्युमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, वैलेंसी वाला पार्ट भी 3 होता है, इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना होता है, पॉइंट नोट डाउन कर लो,
ये मतलब कि एक्सेप्शन से का भी एक्सेप्शन है ऐसा हम लोग को मेंशन करना है. पॉइंट नोट कर लो, ALF3 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू. और जो भी एक्सेप्शनल पॉइंट लिखाएंगे उनको अलग पेन से ही मार्क करना, क्योंकि वो सब क्वेश्चन में डायरेक्टली थ्योरेटिकल पॉइंट के जैसा पूछा जाएगा. अगर याद नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, सवाल गलती करेंगे इनफैक्ट अलग से. इसलिए ध्यान रखना इसको अलग पेन से रखना, ताकि 2 साल के बाद जब रिवीजन करें तो इसको पढ़ते ही सीधा नजर चला जाए. रेड कलर के पेन से लिखा हो तो सीधा उस पर नजर चला जाएगा. अच्छा, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है अपने को. नोट कर लो, ALF3 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड. बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड. चलो ध्यान दो. इसके बाद फिर हम लोग छोटा बहुत डिस्कशन करते हैं आयनिक, हम लोग के टाइप्स के टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. ऐसे छोटे से बेसिक पार्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना इसके बाद, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों का डिस्कशन करना शुरू करेंगे. हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें दो चीज तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. सबसे पहला चीज आयनिक बॉन्ड. कृष्णा, कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड बताओ. सर, जब दोनों का जैसे कि NaCl है वो आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि उसमें जो होता है रियल होता है वो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। हाँ, ये वर्ड यूज चाह रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर. जैसे आयनिक बॉन्ड जो बना तो इसमें हम लोग सीधा सिंपली लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब कैसे बन रहा है ये चीज लिख रहे हैं हम लोग, तो फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा मेंशन कर रहे हैं. तो यहाँ वाले पार्ट में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग का बॉन्ड बनेगा. और इसमें एक चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जनरली फॉर्म बिटवीन, जैसे NaCl है तो NaCl में Na वाला पार्ट मेटल है जबकि Cl वाला पार्ट नॉन मेटल है. तो इसीलिए जनरली फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऐसा हम लोग बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड वाले पार्ट में. नोट डाउन करते जाना, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे इस चीज़ को. दूसरा पार्ट होता है कोवेलेंट बॉन्ड. और कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं, फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर लेना, इन इक्वल नंबर बाई ईच एटम. बाई ईच एटम मतलब, या बाई बोथ एटम कर लो ज्यादा बेटर है. दो एटम्स जब इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जैसे एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरा भी एक शेयर किया, इस चीज को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, इक्वल नंबर में होना चाहिए, तब उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे. और जनरली इसमें हम लोग एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, नॉर्मली नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोग के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो जनरली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक नॉन मेटल और दूसरे नॉन मेटल के बीच में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कराया करते हैं. इसके बाद तीसरा जो टाइप का बॉन्ड है, इस चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला करते हैं. एक मिनट, मेंशन कर लेना तीसरा पार्ट, कोऑर्डिनेट. और इसी चीज़ को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड. डेटिव का मतलब जो डोनेट करता हो, तो
तो हम लोग इसलिए यहाँ पे डेटिव वर्ड लगा रहे हैं। एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड कर लेना, आयनिक बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये भी एक टर्म थोड़ा ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड में चीज मेंशन कर लो, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऊपर में हेडिंग में ही मेंशन कर लो, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसके बाद आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड में। यहाँ पे भी हम लोगों का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दो एटम से मिलता है। लेकिन इस केस में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे मान लो अभी तक हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि ए और बी में अगर एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन ए वाले पार्ट का होता है, एक इलेक्ट्रॉन बी वाले पार्ट का होता है। 10th क्लास में ऐसा हम लोग पढ़े हैं लेविस स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि H2O का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। लेकिन हम लोग इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इनफैक्ट शेयर भी नहीं बोलो डोनेट करते हुए कंसिडर करते हैं कि एक एटम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन में ऐसा मेंशन कर सकते हैं, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, नोट कर लो, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम। एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस एक चीज का ध्यान रखना। और इसमें तुम लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, जैसे मान लो ए वाला पार्ट अगर बी के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको हम लोग नोटेशन में ऐसा डिनोट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वहां से एरो शुरू करो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ वहां पे एरो खत्म करो। तो जैसे ए वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ए से एरो शुरू किया, अगर यही चीज उल्टा होता, बी वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तब उस केस में हम लोग बी वाले पार्ट से एरो शुरू करके ए वाले पार्ट पे खत्म करते हैं। ये एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। बट इसके अलावा एक और तरीका है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसके ऊपर एक प्लस चार्ज डाल दो, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर माइनस चार्ज डाल दो, और वहां पे एरो मत मेंशन करो, सिंगली एक लाइन मेंशन कर दो, केवल एक सिंगल बॉन्ड। और जैसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ तो एक सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद ए के ऊपर एक प्लस चार्ज, बी के ऊपर एक माइनस चार्ज। नीचे वाले पार्ट में उल्टा हुआ था तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसके ऊपर प्लस चार्ज, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ उसके ऊपर माइनस चार्ज मेंशन करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। तो हम लोग के सिस्टम में बेसिकली जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो हम लोग को एरो का ध्यान रखना, नोटेशन का ध्यान रखना, नोटेशन हर जगह दिखेगा तो मालूम पड़ जाना चाहिए कि अच्छा ये नोटेशन का ये मतलब है। जैसे मान लो ऐसा भी नोटेशन हो सकता है कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ, ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, फिर भी ए वाला पार्ट दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, तो जब दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा नॉर्मली, फिर ए वाला पार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो एक कोवेलेंट बॉन्ड प्लस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते थे, ए के साथ हम लोग का कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट के लिए मेंशन किए, ए के ऊपर प्लस चार डाले, बी के ऊपर माइनस चार डाले, ये अपने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक नोटेशन थोड़ा ध्यान रखना, ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड है, बस इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर कर रहा है, ये अपने को ध्यान रखना होता है। नोट कर लो इस चीज को, और कहीं कोई डाउट होगा तो पूछते जाना। सर नीचे वाला एक बार फिर से बोलिए तो सर वो वाला समझ में नहीं आया। नीचे वाले पार्ट में जैसे ऐसा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो एटम्स के बीच में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक ही बॉन्ड रहेगा, हो सकता है डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड में एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे हम लोग आगे मेंशन करेंगे, जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, दो एटम्स के बीच में हमेशा दो एटम्स के बीच में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि दो एटम्स के बीच में पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड ना हो करके हम लोगों का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलने का मतलब ए वाला पार्ट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बी वाले पार्ट पे डोनेट किया, तो पहले से एक बॉन्ड था, अभी ए इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर दिया तो हम लोग का एक बॉन्ड पहले से था, और यहाँ से एक एरो वाला पार्ट मेंशन कर देंगे, ये अपना काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछ रहा था कोई, आवाज आया था, यस बोलो। सर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम एंड वेयर एज इन आयोनिक बॉन्ड आल्सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली टेक्स प्लेस देन व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस इस चीज का है, जैसे मान लो हम लोग के पे ए वाले पार्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है,
तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से हम एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बचपन से सुनते आ रहे कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो कटायन बनता है, ठीक है। बी वाले पार्ट के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हटा के हम लोग ए से लिए थे, ये हम लोग बी वाले पार्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो जब बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था तो माइनस चार्ज बना दिया। अब इसके बाद अगले पार्ट में ए के ऊपर प्लस चार्ज है, बी के ऊपर माइनस चार्ज है, और दोनों के ऊपर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो चार्ज है वो भी एग्जिस्ट किया और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हुआ। तो बेसिकली ट्रांसफर प्लस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हैं। एक तरीके से जैसे ऊपर जो लिखा था ना, यहाँ पे माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो प्लस माइनस कब होता है तो आयनिक बॉन्ड में होता है, और सिंगल लाइन कब डिनोट करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में डिनोट करते हैं। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है एक तरीके से, इस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? यस और कोई डाउट किसी को? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4.4 नहीं, चौथे टाइप के बॉन्ड की बात करते हैं। इस चीज को मेटालिक बॉन्ड बोला करते हैं। हेडिंग डाल देना मेटालिक बॉन्ड, और इसमें मेंशन मेंशन कर लेना फॉर्म बाय इंट्रैक्शन ऑफ वैलेंस और इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग एक सर्टेन वर्ड यूज किया करते हैं इंटरनल के जगह पे, कर्नल इलेक्ट्रॉन्स, इंटरनल और कर्नल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल को छोड़ करके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस चीज को हम लोग कर्नल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और पॉइंट ध्यान रखना है फॉर्म बिटवीन मेटल्स। सोडियम अगर है तो सोडियम सोडियम मिल करके मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। आयरन वाला पार्ट इतना हार्ड स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है तो मेटालिक बॉन्ड बना रखा होता है। ये सब चीज बस हम लोग को थोड़ा एलिमेंट्री फॉर्मेट में ध्यान रखना होता है। और अगर इतना पार्ट नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। पहले तो हम तुम लोगों से डिफिनेशन पूछेंगे कि वैलेंसी का डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास का ये चीज़ है। अगर तुम्हारा कोई भाई भाई पूछ लेगा तो बेइज्जती हो जाएगा अगर तुमको नहीं मालूम है तो इसलिए बताओ हमको वैलेंसी क्या होता है। गौरव क्या होता है वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। नोट करते जाओ, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने स्ट्रेंथ के साथ, कितने मल्टीप्लिसिटी के साथ कंबाइन कर रहा है, इस चीज को हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी बोल रहे हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और इस वैलेंसी वाले पार्ट में हम लोग को दो टाइप्स की बात करनी होती है, जिसमें से एक पार्ट वो है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो बचपन से हम लोग वैलेंसी सुनते हैं उस चीज को हम लोग ज्यादा प्रिसाइजली इलेक्ट्रो वैलेंसी बोलते हैं। इनफैक्ट जब कभी वर्ड वैलेंसी बोलेगा ना तो बाई डिफॉल्ट इलेक्ट्रो वैलेंसी समझना। बट इलेक्ट्रो वैलेंसी के साथ 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 एक और टाइप का वैलेंसी होता है, इस चीज को हम लोग को वैलेंसी बोला करते हैं। मतलब ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रो वैलेंसी और दूसरा को वैलेंसी वाला पार्ट। इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होता है, इस चीज का हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। को वैलेंसी वाले पार्ट का हम लोग डिस्कशन आज नहीं करेंगे। हम लोग ए बैच में अभी इस चीज को टॉपिक को डिस्कस नहीं किए हैं, तो इस चीज का हम लोग डिस्कशन आज नहीं करने वाले हैं। ये तुम लोग को केवल हेडिंग डलवाएंगे, उसका बेसिक मतलब क्या होता है इस चीज को मेंशन कराएंगे, और उसके बाद बाकी सारा का सारा डिस्कशन हम लोग आराम से जब कॉमन बैच चलेगा तो उस टाइम में कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रो वैलेंसी वाला पार्ट क्या होता है, इस एक चीज को हम लोग मेंशन करेंगे अभी। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना इसके आगे, इलेक्ट्रो वैलेंसी।
सिंपल सा चीज है, कुछ चीजें याद रखनी है इसमें, आराम से अपना काम हो जाएगा। और इसमें हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी तो मेंशन करते थे, ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड और रिमूव्ड इन ऑर्डर टू गेट टू द इन ऑर्डर टू गेट टू द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इन ऑर्डर टू गेट टू द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए जो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, जो हम लोग वैलेंसी बोला करते थे कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऐड कर देंगे नाइट्रोजन में, वैलेंसी 3 है, उसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा प्रिसाइजली यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल रहे हैं। और इसमें तुम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखना है ये चीज़ के लिए, पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग ग्रुप के हिसाब से काम करते हैं। ग्रुप वाले पार्ट में ग्रुप नंबर 1, फिर ग्रुप नंबर 2, उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके 10 तक अपने, सॉरी 3 से लेके 12 तक अपने काम का नहीं होता, फिर हम लोग का पी ब्लॉक शुरू हो जाता है। 1 और 2 वाले पार्ट को हम लोग पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक बोलते हैं। कैसे एस ब्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18, इस चीज़ को हम लोग ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, इस चीज़ को हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। आज एक छोटा सा हम सजेशन देंगे तुम लोगों को कि अपने घर में जो एनसीईआरटी रखा होगा उसमें पीरियड टेबल वाले पार्ट को देखना है एक बार, उसमें ये चीज़ को समझने की कोशिश करना। और तुमको एक चीज़ थोड़ा याद करना है, ग्रुप नंबर 1 में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, पोटेशियम, ये एलिमेंट्स का नाम ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 2, उसके नीचे क्या एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 3 सॉरी 13 बोरोन फैमिली, इसके नीचे क्या एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, कार्बन के नीचे सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब एलिमेंट्स का नाम ध्यान रखना है। 15 में नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम लोग निकोजेन भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजेन बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 को हम लोग फ्लोरीन फैमिली या हैलोजन्स बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 18 वाले पार्ट को हम लोग इन जनरल नोबल गैसेस बोला करते हैं। तो इन ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट है, ये तुम्हारा होमवर्क होगा। ये तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल डाउनवर्ड साइज में, मतलब ग्रुप नंबर 1 में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 2 में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का नाम थोड़ा ध्यान रखना है वर्टिकल ऑर्डर में। अगर ये चीज़ तुमको याद रहेगा तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो बहुत दिमाग खराब होगा। तो इसलिए हमेशा पीरियोडिक टेबल को वर्टिकल लाइन के फॉर्मेट में याद रखना। नेटवेट पे बहुत सारे निमोनिक्स पड़े हुए हैं, अगर तुमको सर्च करना है तो नेट पे इस तरह का ना कविता सुनकर, सुना करके, गाना गा करके याद कर सकते हो। जैसे याद करना याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोगों को उसके ग्रुप वाले पार्ट के एलिमेंट से मतलब तो होता है, बट यहाँ के बाद हम लोगों को दो चीज़ों से मतलब होता है। पहला चीज़ ये कि हम लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में जब ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप नंबर 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप नंबर 15 में 5, 6, 7, 8, मतलब हम लोग के ग्रुप वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा ले सकते हैं। 13 से 3 शुरू होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोल सकते हैं। जब हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। पहले वाले केस में 1 रहेगा, दूसरे वाले केस में 2 रहेगा, तीसरे वाले केस में 3 रहेगा, चौथे वाले केस में 4 रहेगा, लेकिन उसके आगे जाने पे हम लोग का 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, 3, 2, 1 होगा। और क्योंकि 8 है तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगा। तो पहले 1, 2, 3, 4, फिर उसका 3, 2, 1, ये हम लोग का वैलेंसी होता है। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से ये चीज़ पहले से आता होगा तुम लोगों को, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है ध्यान रखने का, ये चीज़ नोट कर लो। और कोई डाउट है तो आराम से पूछ लेना। सर ये एस और पी का फुल फॉर्म क्या होता है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में?
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। एस वाला पार्ट एक सर्टेन टाइप का नोटेशन है, जैसे हम लोग 9th क्लास में KLMN पढ़ते हैं, तो सिमिलर टाइप से हम लोग 11th क्लास में आने के बाद SPDF पढ़ते हैं। उस चीज का हम लोग डिस्कशन तुम्हारा अलग से करेंगे, उस चीज के लिए निश्चिंत रहो, ठीक है? यस सर। और अगर इस चीज को नोट कर लिया है तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करेंगे, कोवेलेंसी। इसका हम केवल डिफिनेशन नोट डाउन कराएंगे क्योंकि अभी तक हम लोग ए बैच में इतना ही डिसीजन कर चुके हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कोवेलेंसी, इस चीज को हम लोग आराम से आगे डिस्कस करेंगे। तो कोवेलेंसी हेडिंग डालने के बाद अपना डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ गिवन एलिमेंट या बाय अ गिवन एटम। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम जितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। जैसे CH4 मॉलिक्यूल है मिथेन, तो मिथेन वाला पार्ट कार्बन के साथ चार बॉन्ड बना रखा है, लो हाइड्रोजन। तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा, चार। इसका मतलब कार्बन वाले पार्ट का कोवेलेंसी 4 ले सकते हैं। हाइड्रोजन वाला पार्ट कितना बना रखा, तो एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का कोवेलेंसी हम लोग 1 के बराबर बोलेंगे। टोटल एटम से मतलब नहीं है, एक पार्टिकुलर एटम कितना बॉन्ड बनाया हुआ है एक मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। एक एटम अगर एक बॉन्ड बनाया तो कोवेलेंसी 1, दो बॉन्ड बनाया तो कोवेलेंसी 2, चार बॉन्ड बनाया कोवेलेंसी 4। अब उसमें सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मान लो इथेन हो मिथेन हो प्रोपेन हो ब्यूटेन हो, कोई मतलब नहीं है। अगर इस कार्बन की बात करें तो इस केस में ये कार्बन वाला पार्ट टोटल चार बॉन्ड बना रखा है, मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट हम लोग आराम से 4 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन अब वो डबल बॉन्ड बनाया है कि सिंगल बॉन्ड बनाया उससे मतलब नहीं है। टोटल ओवरऑल कितना बॉन्ड काउंट कर रहा है कार्बन पे, तो 1 2 3 4, चार बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, तो कोवेलेंसी 4 बोल सकते हैं। तो एक ये डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय अ गिवन एटम। ये बड़ा एलिमेंट्री डेफिनेशन है जो अपने काम का बिल्कुल नहीं होगा, बट मालूम करना पड़ेगा अपने को कि ये बेसिक चीज है, इतना पता होना चाहिए। और इसको नोट डाउन करने के बाद एग्जांपल भी नोट कर ही लेना। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन नोट करो। इट इज इक्वल टू द इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन
ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन एटम। इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन एटम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज़ का डिस्कशन करेंगे और तुम लोगों को दिक्कत होगा क्योंकि ये जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है तुमको आइडिया नहीं है, बट हम बस एक छोटा सा सजेशन देंगे तुम लोगों को कि जब हम पढ़ा रहे होंगे तो उस चीज़ को बस सुनना और उस पैटर्न को देखना। बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे उसमें, हर एक एलिमेंट्स का एग्जांपल करेंगे, तो जब उन एग्जांपल्स को करेंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो तुमको पैटर्न बस समझना है नेक्स्ट क्लास में ताकि तुम्हारे पास आंसर आराम से आ जाए। उसका एक छोटा सा तरीका भी होगा, वो तुमको लास्टली याद ही रखना है। तो पैटर्न वाला पार्ट जब हम समझा रहे होंगे और चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही तो बस सुनना कि हम वो पैटर्न में बोल क्या रहे हैं, बस उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करना। और जब हम लोग अलग से तुम्हारा क्लास लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को कवर करेंगे तब उस केस में ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तब तुमको पता चल जाएगा कि एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन या ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता क्या है, ये तुमको तब आराम से पता चल जाएगा। तो इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि हम लोग जब क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस के डिस्कशन के टाइम पे नेक्स्ट क्लास में पार्टिकुलरली, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा बट नेक्स्ट क्लास में उस पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करना, चुपचाप सुनना। और अगर तुमको लगे कि सर ये पैटर्न हमको नहीं समझ में आया तो बेहिचक बोलना कि सर ये चीज़ एक बार फिर से बता दीजिए जो हमको नहीं समझ में आया, ठीक है? तो हम तुम तीनों को अलग से उस चीज़ को वापस से बता देंगे। और अगर मान लो कि तुमको लगता है क्लास नहीं समझ में आया, तुमको अलग से डाउट क्लास लेना होगा तो अलग से डाउट क्लास भी लेना, नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। अभिषेक, तो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है ना? हाँ ठीक है सर, पढ़ के आएंगे इसको। पढ़ के आ सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ के आएंगे तो दिक्कत नहीं होना है, हम एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, ठीक है गौरव? सर इसका मतलब यही है ना, ग्राउंड स्टेट में जब उसको ज्यादा एनर्जी मिलता है तो दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है, उसी को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। नहीं यही ना सर, थो, एनर्जी नहीं लेवल थोड़ा सर। थोड़ा मतलब डिफरेंट है यहाँ पे, थोड़ा सा वेरिएशन है। मतलब जब हम लोग बोर्स मॉडल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेंस में बात कर रहे हैं। अगर तुम लोग ये चीज़ पढ़ रखा होगा तो समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं पढ़ रखा तो भी थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगे तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है गौरव? कोई परेशानी, कोई दुविधा? तुमको नो सर, तो कोई डाउट ही नहीं होता है। अभी नहीं सर, अभी कहाँ से डाउट है। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा ईए बैच के साथ जो कॉमन क्लास चलेगा उसमें केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, और उसके अलावा तुम्हारा मोल कंसेप्ट वाला पार्ट तो चल ही रहा है, बाकी जो तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो तुमको अलग से ही पढ़ाएंगे। हम लेक्चर देखने नहीं बोलेंगे, अलग से पढ़ाएंगे एक एक क्वेश्चन। जैसे हम लोग नोमेनक्लेचर का पूरा लेक्चर कवर किए उसी टाइप से तुम लोग का लेक्चर कवर करेंगे। तुम लोग का एडमिशन काफी लेट हुआ है तो तुम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि पूरा सिलेबस हम लोग को कवर अगर करना है तो थोड़ा बहुत तो टॉपिक पैरेलल में पढ़ाना पड़ेगा। अगर तुमको लगेगा कि सर बहुत ज्यादा लोड हो जा रहा है, इतना हैंडल नहीं कर पा रहे, तो बता देना, हम लोग फिर क्लासेस का नंबर कम कर देंगे। धीरे धीरे कोई टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है कहीं कोई यूज नहीं है, कहीं कोई यूज नहीं, बस मालूम होना चाहिए बट उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। जो जो काम की चीजें हैं वो लोग हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो अगर तुम लोगों को क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने का टाइम कम मिल रहा होगा या फिर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा होगा तो हम लोग क्लासेस थोड़ा कम करके भी लगा देंगे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं। हम लोग आराम से धीरे 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 उस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है? अच्छा सर, केमिस्ट्री में इस ट्यूशन में क्या क्या खत्म हो चुका है? केमिस्ट्री में तुम तो जस्ट आया है तो तुम्हारे बैच में नोमेनक्लेचर खत्म हो चुका है, ऑल्दो नोमेनक्लेचर तुम्हारे एनसीईआरटी के सीक्वेंस में नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से एग्जैक्टली काम नहीं करते, थोड़ा बहुत हम लोग का अपना अलग भी सीक्वेंस होता है। तो नोमेनक्लेचर खत्म हो चुका है हम लोग का, और उसके अलावा मोल कंसेप्ट टॉपिक चल रहा है। और जो हम लोग का पहला बैच है उसमें मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है और नोमेनक्लेचर खत्म हो चुका है। वहां पे केमिकल बॉन्डिंग शुरू हुआ है और गैसेस स्टेट शुरू हो जाएगा, ठीक है? समझ आया? यस सर, चलो ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड आज करते का हैं। होमवर्क। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क तुम लोग अलग से जब क्लास चल रहा होगा तो उसमें हम देते चले जाएंगे, ऑल्दो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करता है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है।